हरियाणा में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। चुनाव में जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक भी जी जान से जुटे हैं। वहीं 8 मई यानी कि बुधवार को भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचने वाले हैं। कुरुक्षेत्र में 3 लोकसभाओं के लिए एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में जोरों पर जारी हैं। प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बता दें, कुरुक्षेत्र अंबाला करनाल यानी कि 3 लोकसभा प्रत्याशियों के प्रचार के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 8 मई को कुरुक्षेत्र में रैली करने वाले हैं। इस रैली में करीब 50,000 कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। भाजपा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर ने बताया कि इस बार रैली में पन्ना प्रमुखों की विशेष भूमिका रहेगी। रैली स्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन सुरक्षा बल सहित तैयारियों में जुटा है। प्रधानमंत्री की विशेष सुरक्षा के लिए SPG की टीम पिछले 2 दिनों से कुरुक्षेत्र में डेरा डाले है। देखिए, 8 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में पहुंच रहे हैं और यहां पर उनके पहुंचने का जो समय है वो 12 बजे का, और यहां पर उनकी तैयारियां चल रही हैं, रैली की तैयारी चल रही हैं। और जिस प्रकार से यहां पर 50,000 जो कार्यकर्ता हैं उनके जुटने की यहां संभावना है, और उसके लिए सारे के सारे जो हमने सिस्टम बना लिया, सेक्टर अपने बना लिए हैं, और सारे विधायक और सारे कार्यकर्ता, और जो हमने इस बार पन्ना प्रमुख का जो एक प्रकार की नीति बनाई है, वो सारे के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर भीड़ जुटाने के लिए लगे हुए हैं। और आज यहाँ पर तैयारियाँ देखने के लिए हम आए हैं, और यहाँ पर मंच और पंडाल यहाँ पर सारी जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं, और यहाँ पर उनके आगमन के लिए यहाँ पर सभी जो लोग हैं वो नजरें बिछाए हुए हैं। अमूमन कितनी उम्मीद है, कितनी गैदरिंग हो जाएगी, क्या? अरे, कम से कम 50,000 का भीड़ का टारगेट हम लेकर चल रहे हैं। इससे ऊपर होगी, क्योंकि आज लोगों में नरेंद्र मोदी के प्रति जो क्रेज है, जिस प्रकार का जोश है, जिस प्रकार से लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो उससे यह संख्या और भी ज़्यादा बढ़कर यहाँ पर इकट्ठे होंगे। कौन कौन सी लोकसभा के यहाँ पर? हाँ, इसमें 3 लोकसभा, अंबाला लोकसभा, कुरुक्षेत्र लोकसभा और करनाल लोकसभा, ये 3 लोकसभा हैं, और 7 हमारे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। तो इनके सभी कार्यकर्ता और जो आमजन है वो यहाँ पर इस रैली में पहुँचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रथम तहलका।